रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ली अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है ये ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये ढिंढोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इससे पहले। आखिर ऐसा क्या हो गया है इन दोनों पति पत्नी के बीच जो बात यहाँ तक आ गई? जानने के लिए चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं। ढोलकी एक चुलबुली सी लड़की थी और बिल्कुल अपने नाम जैसी थी। उसका काम था हर छोटी बात का ढिंढोरा पीटना। कई बार तो उसने अपने घर की ऐसी ऐसी बातें मोहल्ले भर में बताई जो कि सिर्फ घर वालों तक ही रहनी चाहिए। उसके इसी स्वभाव के चलते उसकी माँ मीनल उसकी शादी को लेकर परेशान रहती थी। एक शाम मीनल को पंडित जी का कॉल आता है जो उसकी बेटी के लिए आशीष नाम के लड़के का रिश्ता बताते हैं, जिसको सुनकर मीनल ढोलकी को आवाज लगाते हुए बोलती है, ढोलकी, ओ ढोलकी, कहाँ है, इधर आ। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ। ढोलकी, तुझे देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो ये बात तो किसी को मत बताइयो, और हाँ अच्छे से तैयार रहियो। ठीक है माँ। ढोलकी अपनी माँ की बात सुनने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त निशा को कॉल करके बोलती है, निशा तुझे पता है कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देख तुझे बता रही हूँ, किसी को मत बताइयो, खास करके उस शालिनी को। अच्छा मैं रखती हूँ। कॉल कट करके ढोलकी शालिनी को कॉल करती है और उसे बोलती है, शालिनी यार मुझे ना तेरा मेकअप चाहिए, वो क्या है ना कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे बता रही हूँ, बताइयो मत किसी को। अच्छा चल बाय। शीतल का कॉल कट करके ढोलकी मोहल्ले की सारी औरतों के पास जाकर ढिंढोरा पीट देती है कि कल उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनकर सारा मोहल्ला खुसर पुसर करने लगता है। अगले दिन जब आशीष अपनी माँ कुंती के साथ ढोलकी के घर आता है तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा होकर उनको आता देख रहा होता है। ये देखकर आशीष अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या इनके पूरे मोहल्ले को पता है हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, जो ये लोग हमको ऐसे घूर रहे हैं। पता नहीं लल्ला, क्या पता इनके यहाँ अच्छे लोगों को देखने की आदत नहीं है इसलिए देख रहे होंगे। लोगों की आंखों के बीच से आशीष और कुंती ढोलकी के घर आते हैं, जहाँ उनकी माँ मीनल उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय नाश्ता देती है, जिसके बाद कुंती मीनल से बोलती है, ये आपके मोहल्ले वाले हमको ऐसे क्यों घूर रहे थे? घूर रहे थे? कहीं इस ढोलकी की बच्ची ने ढिंढोरा तो नहीं पीट दिया, ये लड़की भी ना। हाँ ऐसे मानो जैसे सबको पता हो कि हम यहाँ लड़की देखने आने वाले हैं। वो बहन जी, यहाँ के लोगों को कान लगा के सुनने की आदत है, फिर बस एक के बाद बात दूसरे को पता लग ही जाती है। अरे मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बातों का ढिंढोरा पीट दे। अरे अपने घर की बात हो या किसी और के घर की हो, सबको बताने वाली थोड़ी होती है। कुंती के इस स्वभाव के चलते तो उसकी बहू उससे बिल्कुल विपरीत होने वाली थी। तो कुछ देर में ढोलकी सबके सामने आती है, जिसके बाद आशीष को वो पसंद आ जाती है और दोनों के परिवार वाले कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तक करवा देते हैं। शादी के बाद ढोलकी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन उसकी बातों का ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं जाती। एक दिन उसकी सास उसको 50,000 रुपए देते हुए बोलती है, बहू ये पैसे कल तेरी ननद मीशा को भेज रहे हैं, वो दूसरे शहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए आशीष बड़ी मेहनत करके ये पैसे जोड़ता है, तो तू इसे संभाल कर रख दियो। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं संभाल कर रखती हूँ। ढोलकी पैसों को अलमारी में रख देती है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन आशा के घर जाती है, जहाँ वो ढोल की तरह बजकर सब कुछ उसे बता देती है। फिर वो वापस आते हुए दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक सबको ये बात बताती है कि उसके घर में 50,000 रुपए पड़े हैं। शाम होने पर जब आशीष के मोहल्ले में एक पान वाला उसे देखकर बोलता है, अरे आशीष बिटवा, घर में इतना पैसा काहे रखते हो, अरे कौन चोरी वारी कर लेगा? क्या मतलब कौन से पैसे? अरे जो मीशा बिटिया की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए हैं।
आपको किसने बताया हमारे घर पैसे रखे हैं? मुझे तो दूध वाला बता रहा था। पान वाले की बात सुनकर आशीष भागते दौड़ते हुए घर जाता है, लेकिन रास्ते में उसको और भी कई लोग पैसे ऐसे घर पर ना रखने की चेतावनी देते हैं, जिसके कारण वो घर आकर चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ माँ कहाँ हो, यहाँ आओ। क्या हो गया, क्यों फटे ढोल की तरह बजे जा रहा है? बज तो आप रही हैं। मैंने आपको आशा की पढ़ाई के पैसे संभाल कर रखने को दिए थे, ना कि इस पूरे मोहल्ले में उन पैसों का ढिंडोरा पीटने को। क्या, पर मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, अरे पैसे तो बहू के पास हैं। दोनों माँ बेटे ढोलकी को घूरने लगते हैं, तभी वो सच बताती है कि उसने ही दूध वाले और सब्जी वाले को बताया था। आशीष उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अंत में उसे समझा कर उससे पैसे लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सोने चला जाता है। उस रात उनके घर में चोर आते हैं और पैसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुबह होने पर पूरा घर बिखरा होता है। ये देखकर आशीष सबसे पहले छुपाए पैसों को देखता है, तो वो सही सलामत होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, देखा, अगर कल मैंने समय रहते तुमसे पैसे नहीं लिए होते तो आज तुम्हारे ढिंडोरा पीटने के कारण घर में चोरी हो जाती। माफ कर दो मुझे आशीष जी, अब से ऐसा नहीं होगा। आशीष ढोलकी को माफ कर देता है, लेकिन उसकी ये आदत कहाँ बदलने वाली थी। वो अब भी बातों का ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आती। एक दिन उसकी ननद मीशा रोते हुए घर आती है, और उसको ऐसे अचानक पढ़ाई को बीच में छोड़कर आता देख उसका भाई उससे पूछता है, छोटी क्या हुआ, तू अचानक ऐसे आ गई, अभी तो तेरे फाइनल एग्जाम्स होने थे। अरे तो रो क्यों रही है, बताना क्या हुआ। माँ, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी इच्छाओं का गला घोट दिया, आपका सर शर्म से झुका दिया। ऐसा क्या हुआ, बता तो सही। मीशा रोते हुए उसे बताती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसे धोखा देकर चला गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आशीष और कुंती के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उनकी बिन ब्याही बेटी माँ बनने वाली है, इसकी खबर अगर लोगों को पता लगी तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सब सोचते हुए आशीष अपनी बहन से बोलता है, मीशा तूने ये सही नहीं किया, हमने तुझे पढ़ने भेजा था और तूने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। भैया मुझे माफ कर दो, आप कहो तो मैं मरने को तैयार हूँ, आखिर गलती मेरी है, आप सब क्यों भुगतोगे। चुप रह, तेरे भाई के होते हुए तू मरने की सोच भी कैसे रही है। सब सुन लो, मीशा माँ बनने वाली है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं जल्द ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर इसकी शादी करवा दूंगा, जो इसको और इसके बच्चे को अपनाने को तैयार होगा, वरना पूरी जिंदगी मेरी बहन की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मीशा को उसकी माँ कमरे में ले जाती है, और दूसरी तरफ ढोलकी अपने कमरे में जाकर अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी माँ को कॉल लगाकर बोलती है, माँ आपको पता है मेरी ननद प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के। तो बेटा ये बात किसी बाहर वाले को मत बताइयो, वरना तेरे ससुराल की बदनामी होगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ढोलकी अपनी माँ से बात करके अपने पड़ोसन आशा को कॉल करती है और खुद से बोलती है, आशा तो अपनी ही है, उसको बता देती हूँ। ढोलकी आशा को कॉल करके सब बता देती है, और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिसके बाद आशीष को उसके रिश्तेदारों का कॉल आता है। मोहल्ले वाले उन्हें ताने मारना शुरू कर देते हैं, और मीशा अपने परिवार की बदनामी को देखते हुए खुद को कमरे में बंद करके खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते आशीष दरवाजा तोड़कर अपनी बहन को गलत कदम उठाने से बचा लेता है, जिसके बाद मीशा बोलती है, भैया मुझे मरने दो, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है, अब तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती, और आप सबकी मैंने थूथू और करा दिया है, मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए। इस घर से तू नहीं, कोई और जाएगा, जिसने ये ढिंडोरा पीटा है वो। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़ के
उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ले अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है, यूँ ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन तुम्हारी ये ढिंडोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले मैं तुम पर हाथ उठाऊं, खुद ब खुद इस घर से चली जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घर की बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अब क्या फायदा, जो करना था कर चुकी तुम। अरे आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर जाती, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। आशीष रुक जाओ बेटा, पहले ही हमारी जगहसाई हो चुकी है, और अब बहू को निकाल कर और मत करवाओ। और बहू तुम्हें भी ये समझना होगा कि हर चीज का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, कुछ बातें घर वालों तक ही सीमित रहे तो ही ठीक होती हैं। कुंती ढोलकी को घर से निकलने से तो बचा लेती है, लेकिन उसको वापस अपने परिवार का भरोसा जीतने में समय लगता है। साथ ही उसके कारण हुई उसकी नंद मीशा की बदनामी के चलते वो उसके बच्चे को गोद लेकर उसको वापस पढ़ाई करने के लिए भेज देती है, और समय के साथ आशीष भी ढोलकी को माफ कर देता है, और उसकी ये हर बात का ढिंढोरा पीटने की आदत अब पूरी तरह छूट जाती है। आकांक्षा एक बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी डेंटिस्ट बन चुकी थी। पूरे शहर में उसका खूब नाम था। उसकी शादी शिव नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर था और अपने काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहा करता था। उसकी सास नूतन अपनी बहू की तरक्की देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अक्सर ही अपनी बहू को कोसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा अपने क्लिनिक जा रही होती है। अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे कितनी बार समझाया है ना कि घर की सेवा कर, सास की सेवा पर ध्यान लगाया कर। मम्मी जी, बात कमाई की नहीं पैशन की है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है इसलिए करती हूँ, और आप मुझे एक ही बात कितनी बार बोलेंगे? बहुत ज्यादा जुबान चलती है तेरी। हाँ, अगर मेरा बेटा कमा रहा है तो तुझे क्या ही जरूरत है जाने की? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है। आए हाय, आई बड़ी लेट वाली, तुझे मैं मना कर रही हूँ ना, और ऊपर से कहती है कि देर हो रही है। काम के मामले में मैं किसी की नहीं सुनती, सॉरी। आकांक्षा वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। वक्त बीतता जाता है। नूतन को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद था, जिसके चलते उसके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। शाम को जब आकांक्षा क्लिनिक से घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास गाल पर हाथ रखे रोई जा रही है। वो उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ मम्मी जी आपको, आप रो क्यों रही हैं? और ये गाल पर ऐसे हाथ क्यों रखा है? हाँ, अरे तू हट जा, तूने ही बद्दुआ दी होगी। आ, जब भी मेरा ये हाल हो गया है। आए, दिखाइए मुझे एक बार, देखूं तो जरा क्या हुआ है। अरे नास पीटी, तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे क्या लगता है काली तू ही पूरी दुनिया में दांत ठीक कर सकती है? अरे हट पीछे। अरे बाबा, एक बार देखने तो दीजिए, मैं अभी इलाज बता दूंगी और आप ठीक हो जाएंगी। उसकी सास गर्म पानी से कुल्ला कर लेती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत मिलती है। शाम को जब शिव घर आता है तो वो अपनी माँ को अपनी बीवी से ट्रीटमेंट करवाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो नहीं मानती। मजबूरन उसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कई तरह की महंगी दवाइयाँ देते हैं और दोबारा आने को भी कहते हैं। घर जाकर उसका बेटा सारी रिपोर्ट अपनी बीवी को दिखाता है। उसे देखते ही वो बोल पड़ती है, अरे इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आपके दांतों में कैविटी है, और ये दवाइयाँ तो सूजन की है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बस कर बस, अब तू अपनी डॉक्टरनी मत झाड़ यहाँ पे। शिव, आप इनको समझाइए कि मैं इनका भला चाहती हूँ। अरे मम्मी को जो भी सही लगता है वही करने दो उनको, वो नहीं चाहते कि तुम उनको देखो तो क्यों उनके पीछे पीछे तुम।
शाबाश मेरे बच्चे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है। साबित कर दिया मतलब? मैं आपका बेटा ही तो हूँ, पक्का हूँ ना? गोद तो नहीं लिया ना आपने कहीं मुझे? अरे उन्होंने ऐसे ही बोला है मजाक में, आप समझते नहीं हो। अब जाओ सो जाओ, कल तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है ना? हाँ हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी तुम सास बहू के झगड़ों में किसको पड़ना है, चालू रखो तुम दोनों। सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन आकांक्षा उन रिपोर्ट और दवाइयों के बारे में सोचती ही रहती है। उसे उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसकी सास के दांतों का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। वो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि उसे बहुत सी महंगी और नई दवाइयाँ देती है। पर पिछली बार की तरह इस बार कोई दवाई असर नहीं करती, उल्टा उनका रिएक्शन होने लगता है। थोड़े दिन बाद फिर से वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से धमकाती है। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी दवाइयाँ दी है आपने? मेरे दर्द को अब भी कोई आराम नहीं हुआ है और मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। देखिए आप शांत हो जाइए, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। असल में आपके सारे दांत खराब हो चुके हैं और अब हमें आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। क्या दांत उखाड़ने पड़ेंगे? ए भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर साहब इतनी दवाई खिलाई और अब कह रहे हो दांत निकालना पड़ेगा? अरे बाबा मैं खाऊंगी कैसे? देखिए निकालने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि आपको दवाइयों से तो दिक्कत हो रही है और आपकी तबीयत भी बिगड़ रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दवाइयाँ खा लूंगी, पर आप मेरे दांत मत निकालना। जी तो फिर चुपचाप दवाई खाती रहिए, आपको जल्दी आराम आ जाएगा। डॉक्टर अपनी चालाकी से नूतन को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके कारण वो महंगी दवाइयाँ फिर से घर ले जाती है, जिन्हें देखकर आकांक्षा को सारी बात समझ आ जाती है और वो उस डॉक्टर से निपटने के लिए एक तरकीब सोचती है। अगले ही दिन वो अपनी सास को उस डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले जाती है और उसके सारे टेस्ट दोबारा करवा कर उस डॉक्टर के पास जाती है। वो अपने सवालों और सूझबूझ से उस डॉक्टर की सारी चालाकी अपनी सास के सामने ले आती है। जी देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बहू एक डेंटिस्ट है, वरना तो मैं आपका इलाज मुफ्त में ही कर देता। ये नौटंकी अब ना आप पुलिस के आगे करना, लोगों का फायदा उठाते हो, अरे शर्म नहीं आती? ऐसे डेंटिस्ट हमारी समाज पर धब्बा है, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे ओ नासपीटे डॉक्टर, अब जेल जाकर ही रहेगा तू, तेरी वजह से मेरा दर्द इतना बढ़ गया है, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया, इतना कि अपनी बहू को नहीं दिखाए अपने दांत, इतने पैसे लगे मेरे और तू तो मेरे दांत भी निकालने वाला था, अब तो तू जेल जाएगा। हाँ। आकांक्षा पुलिस को बुला उस डॉक्टर को जेल भिजवा देती है, वहीं उसकी सास का इलाज कर उसके दांत बिल्कुल ठीक कर देती है। उसकी सास को एहसास होता है कि उसने अपनी बहू पर भरोसा ना कर कितनी बड़ी गलती की, फिर वो उससे माफी मांगकर उसके डेंटिस्ट होने पर गर्व महसूस करने लगती है। अब घर में सब सही हो जाता है और आकांक्षा का परिवार उसे सराखों पर रख खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।